The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मेरा नाम स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। कहा जाता है कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन यह कहावत भी अब उल्टी हो गई है। दरअसल रीवा जिले के जबा थाना अंतर्गत ग्राम कुसमैदा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहाँ आज सुबह गाँव के लोगों ने सड़क के किनारे लगभग 3 माह की एक बच्ची को लावारिस हालत में पड़े देखा। लोगों ने डायल 100 को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही जवाब पुलिस डायल 100 के साथ बिना देर किए मौके पर पहुंची और देखा कि लगभग 3 माह की अज्ञात जीवित मासूम बच्ची लावारिस हालत में बब्बू सोनकर के घर के पास पड़ी हुई है। उक्त मासूम बच्ची को जवा पुलिस द्वारा जवा थाने में लाया गया, जहाँ पर बच्ची सकुशल है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जवा थाने अंतर्गत 6 महीने की बच्ची रोड के किनारे मिली थी, जिसकी सूचना पुलिस को आई है। पुलिस ने उस बच्ची को ला कर के अस्पताल में ट्रीटमेंट कराया। बच्ची अभी स्वस्थ है। उसके बाद उसको रीवा में बाल निकेतन है, वहाँ लाया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। कब मिली है, किस जगह मिली? ये आज की घटना है, जवा थाना क्षेत्र की है। कहाँ लाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा पुलिस द्वारा? ये बाल निकेतन अभी लाया जा रहा है, जहाँ पे बच्चों को अच्छे से देख रेख हो सके और अगर अदर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ पे मिल सकता है। कितने माह की है सर? लगभग जो अंदाजन अभी अमूमन है 6 माह का है। डॉक्टर परीक्षण करके और उसमें उसकी आयु का निर्धारण करेंगे। अभी कुछ नहीं। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.